शौक नहीं मजबूरी है, ये है जरूरी है। शौक नहीं मजबूरी है, ये है जरूरी है। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। पहुंच नहीं दिया इवन मैं आज ऑफिस गई थी अंदर, मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, एक भी बंदे ने अच्छे से कॉपरेट नहीं किया, बताया भी नहीं, गाइड भी नहीं किया कैसे किससे मिलना है, कोई मिला भी नहीं, बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं हुआ है। मैं गई थी पर नहीं हुआ कुछ भी अच्छा। तो घर जाने से अच्छा हम लोग यहीं बैठे रहें ताकि सरकार को पता चले कि हमारे साथ कितना अन्याय किया गया है, बेरोजगारी के चलते हमारे घर परिवार का चलना मुश्किल हो गया है। नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन इस वक्त हूँ दिल्ली सचिवालय के सामने। यहाँ पर जो नर्सिंग स्टाफ है जो कोविड के समय में वैक्सीनेशन सहित तमाम टेक्नीशियन पद थे, कंप्यूटर ऑपरेटर थे, उन्हें 31 मार्च को टर्मिनेट कर दिया गया है दिल्ली सरकार द्वारा। 31 मार्च आने से पहले ही उन्हें ईमेल कर दिया गया कि आपकी जो अनुबंध था उसे ख़त्म कर दिया जाता है। इसके खिलाफ ये युवा जो वैक्सीनेशन में जिन्होंने साथ दिया, जिन्हें कोरोना महामारी के समय में कोरोना वॉरियर्स का नाम दिया गया, वो आज हड़ताल पर बैठे हुए हैं और लगभग ये हड़ताल पर पिछले 7-8 दिनों से बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हो ये इनसे जानेंगे सीधा इन्हीं के मुंह से कि ये क्यों बैठे हैं, क्या मांग कर रहे हैं और सरकार ने अभी तक इनके बारे में क्या कुछ कहा है। तो मैडम, क्या लगता है सरकार ने अभी तक सुनवाई नहीं की है, आगे क्या कदम रहेगा आपका? सर, हम स्ट्राइक कंटिन्यू करेंगे, इसके आगे हम और कोई कदम नहीं उठा सकते हैं। आज हमने 24 घंटे की स्ट्राइक की है, कल से हम यहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि 24 घंटे की स्ट्राइक के बाद तो कोई उठ के जाएगा नहीं। तो घर जाने से अच्छा हम लोग यहीं बैठे रहें ताकि सरकार को पता चले कि हमारे साथ कितना अन्याय किया गया है, बेरोजगारी के चलते हमारे घर परिवार का चलना मुश्किल हो गया है। हमें बस वगैरह कुछ भी फ्री नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए जिससे हम अपना और अपने बच्चों का रोज पालन पोषण कर सके। यहाँ पर आप बैठे हुए हैं तो ये तो स्वाभाविक है कि कुछ समस्याएं आ रही होंगी, कभी धूपी होगी, अधिकारी भी परेशान कर रहे हो, ऐसा कुछ? सर, सब लोग परेशान कर रहे हैं। आज सुबह हमारे SHO सर से बात हुई, हमने उनसे इतनी मिन्नती की, उनके पैरों में गिर गए, पर उन्होंने हमें यहाँ बैठने की इजाज़त नहीं दी, बोले वहाँ जाके बैठ जाओ। हमारे पास इसकी रिकॉर्डिंग भी है, जो जो उन्होंने कहा आपको स्पष्ट रूप से सुना दिया जाएगा। फिर भी हमने, जब हमारे प्रेग्नेंट वुमेन्स है 2-3, उनकी तबीयत खराब हुई, तब हम यहाँ पे लड़के आके बैठे, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। हमसे बोला गया कि अगर आप लोग ने यहाँ पे लड़के बैठे तो आपको FIR कर देंगे, थाने में डाल देंगे, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई चलाई जाएगी और इसके चलते आपकी नौकरी भी नहीं मिलेगी। ये SHO सर जो यहाँ पे थे, उनके शब्द है सर, उन्होंने ऐसा हमसे कहा। क्या नाम है भाई? पंकज कुमार नाम है और नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, सारे लैब टेक्नीशियन बैठे हुए हैं और हमारी मांग है कि हमें ड्यूटी पर कंटिन्यू किया जाए, रेगुलर ड्यूटी हमारी किया जाए, जो हम कोविड टाइम 2 साल से कंटिन्यू करते आ रहे हैं। जब कोविड थोड़ा ख़त्म हो गया तो हमें निकाल दिया गया है, हमारी यही मांग है कि कंटिन्यू ड्यूटी रहे। लैब टेक्नीशियन के अलावा यहाँ पर कौन कौन है? और CDOs बैठे हैं, NMs बैठी हैं और हम लैब टेक्नीशियंस बैठे हैं, अलग अलग जोन के बंदे यहाँ बैठे हुए हैं जिनको निकाल दिया गया है 31 मार्च को। हम लोगों की बस यही है कि सब लोगों ने काम किया है, वो चाहे हम लोगों या सरकारी वाले हों, सब ने काम किया है हम लोगों ने मिलके। हम बस यही चाहते हैं कि हमें थर्ड पार्टी से निकाल के हमें जॉब दी जाए और हमें रखा जाए डायरेक्ट, जो हम लोग बेरोजगार उन्होंने कर दिया, बस हमें रोजगार दे दे, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। पिछले कितने दिनों से बैठे हुए हैं आप यहाँ पर? हम लोग 6 दिनों से बैठे हुए हैं यहाँ पे। सरकार ने कोई लिया? कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया इवन मैं आज ऑफिस गई थी अंदर, मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, एक भी बंदे ने अच्छे से कॉपरेट नहीं किया, बताया भी नहीं, गाइड भी नहीं किया कैसे किससे मिलना है, कोई मिला भी नहीं, बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं हुआ है। मैं गई थी इवन नहीं हुआ कुछ भी अच्छा। चलिए देखते हैं और लोग हैं वहाँ, उनसे बात करते हैं। कितने जैसे आप क्या लैब टेक्नीशियन हो या? मैं CDO हूँ, कंप्यूटर डेटा ऑपरेटर। कंप्यूटर डेटा ऑपरेटर, जैसे कंप्यूटर डेटा जो भी डेटा होता है, ANM हो गया। इसके अलावा ऐसी कितनी पोस्ट थी जिनको रिमूव किया गया? डॉक्टर्स हैं, ANMs हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं और CDOs हैं और CDBs हैं। जैसे जब से आपने प्रोटेस्ट किया है तो उसमें से किसी एक ऐसा वर्ग है जिसको वापस लिया है जॉब? नहीं, किसी को अभी तक कोई भी लिया नहीं है वापस इन लोगों ने। और हम लोगों को 31 मार्च को
CDMO का एक नोटिस आता है कि आप लोगों को निकाल दिया गया है, जिसमें हमारे पास कोई भी स्टेट से अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया है कि स्टेट ने हमें निकाला है या नहीं निकाला है। हमें ओनली CDOs हैं, LTs हैं और डॉक्टर्स हैं, इनको एक CDMO जो है हमारी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की उन्होंने नोटिस जारी किया था, उसमें हम लोगों को रात को शाम को 6 बजे उसमें निकाल दिया गया। और भी लोग हैं मैम, मतलब क्या आपको लग रहा है कि सरकार कुछ सुनवाई कर रही है या नहीं कर रही है? कुछ नहीं कर रही है सर, कोई आश्वासन कुछ नहीं दिया है अभी, किसी ने कुछ नहीं कहा, अंदर से भी कोई नहीं आया, कोई कहीं से कुछ नहीं आया हमारे पास। यहाँ पर जो प्रोटेस्ट आप कर रहे हो पिछले 5-6 दिनों से, तो ये तो स्पष्ट है कि कुछ ना कुछ तो परेशानियां आपको आई हुई, किस तरह की परेशानियां देखने? हमने इतना किया है, कोई कुछ पूछने नहीं आया कि तुम लोग क्या है, तुम लोगों ने या कुछ मतलब क्यों निकाला गया है, क्या है, या अभी समस्या क्या आ रही है, जैसे प्रोटेस्ट के चलते कोई परेशान कर रहा है या मतलब यहाँ पे पुलिस वाले हमें बैठने नहीं दे रहे? अच्छा, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि धूम में हमें छाया में से हटा दिया, धूम में कह रहे हैं कि यहाँ मत बैठो, यहाँ मत बैठो, आप यहाँ से हटो। चलिए और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया? सर मेरा नाम सुमित सिंह है। हाँ जी सर, तो अभी सरकार की तरफ से कोई आश्वासन कोई? सर अभी हमें सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला, हम यहाँ 1 हफ्ते से बैठे हुए हैं और हमारा यहाँ नर्सिंग स्टाफ और लैब टेक्नीशियन दोनों स्टाफ हम बैठे हुए हैं हेल्थ वर्कर्स, और हमें अभी गवर्नमेंट की ओर से कोई आश्वासन नहीं दिया गया। तो क्या मतलब लग रहा है, सरकार मानेगी आपकी बात को या नहीं मानेगी? सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सरकार हमारी बात माने। सर हम पिछले 2 साल से हेल्थ वर्कर काम कर रहे हैं, कोरोना कोविड में हमने काम करा है अपनी जान को जोखिम में डालते हुए। क्या नाम है मैडम आपका? माला तिवारी। माला तिवारी जी, जो सरकार आपकी कोई सुनवाई कर रही है या नहीं कर रही? नहीं सर, हमारे कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पर अभी तक, किसी ने कोई, हमने इतना एक्शन ले लिया, हमारे पर किसी ने कुछ कार्रवाई नहीं करी अभी तक। तो अभी कितने दिनों तक ये हड़ताल चलने की संभावना है? जब तक हमारी पूरी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक। अभी प्रॉपर पूरे जो भी हैं जो हटाए गए हैं लोग आ रहे हैं यहाँ पर? सब आ रहे हैं जी, सब बैठे हुए हैं। चलिए और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ऋचा बिष्ट। ऋचा बिष्ट जी, तो क्या आपकी केजरीवाल सरकार कोई सुनवाई कर रही है? अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, लग भी नहीं रहा कि कुछ सुन रहे हैं हमारा। हम सुबह से बैठे हैं, कोई पूछ भी नहीं रहा हमारी, हमने एप्लीकेशन भी दी है तो कोई बात नहीं हो रही है अभी इस चीज़ के बारे में। एक हफ्ते तो क्या क्या मतलब क्या चाहते हो आप केजरीवाल सरकार? हमारी डिमांड पूरी हो, हाँ, जैसे इन्होंने हमें एकदम पर बेरोजगार कर दिया है, हमें जो दोबारा से हमारे लिए रिलीज लेटर दोबारा से लगाए और हमें नौकरी प्रोवाइड करे। केजरीवाल जी तो कहते हैं कि हम लगातार युवाओं को दिल्ली के अंदर रोजगार दे रहे हैं और दिल्ली मॉडल को पंजाब सहित पूरे देश में ले जाने की बात करते हैं। केजरीवाल ऐसा कह रहे हैं ना, रोजगार दे, कहीं नहीं रोजगार दे। देखो इन्होंने नई सरकार बनाई पंजाब में, वहाँ पे रोजगार दिया। इन्होंने पहले ये नहीं देखा कि भी दिल्ली में अपना जो पुराना घर है वहाँ पे देखा जाए, हम सब यहाँ पे आउटसोर्स में लगा रखे थे इनको। पहले बात तो हमें थर्ड पार्टी चाहिए नहीं, हमें चलो कॉन्ट्रैक्टर हटा दिया जाए इसको, और हमें डेलीवेज पे तो किया जाए कम से कम, हम मानते हैं चलो हमें पक्का नहीं किया जाए, हमें डेलीवेज तो किया जाए। और केजरीवाल जी से यही हमारी तो रिक्वेस्ट है कि हमें पक्का किया जाए और सभी जो भी जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ है सभी की हेल्प होनी चाहिए, मैं तो यही चाहता हूँ जी। और एक बात और, कोई बम बोली केजरीवाल जी ने सरकार में आने से पहले कहा था कि हम ठेकेदारी प्रथा को बंद करेंगे, भ्रष्टाचार को बंद करेंगे, तो क्या मतलब लग रहा है कि भ्रष्टाचार मिट चुका है दिल्ली के? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और देखो जैसे कि हमें सब पैरामेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, CDO वगैरह, NM जो भी है, अब देख लो आप जहाँ भी डिस्पेंसरी में जाओ, एक बंदा 3-3 जगह डिस्पेंसरियों में काम कर रहा, 2 दिन वहाँ 2 दिन वहाँ, मतलब वैकेंसी तो उसमें है। अगर केजरीवाल चाहे तो हमें सबको परमानेंट कर सकता है या हमें डेली वेजेस पे कर सकता है, और हम नहीं चाहते कि हमारे बीच में कोई थर्ड पार्टी आए। ठीक है जी, केजरीवाल हमें डेली वेज पे कर दे, हम उसमें भी संतुष्ट हैं जी। बिल्कुल, मैंने बहुत ट्राई किया है, हमने आज भी हमने पूरा अंदर जाके बात की, किसी ने भी किसी से भी मिलने नहीं दिया है हमें, ना 10-12 नंबर्स मुझे दे दिए, आप चाहें तो मैं वो दिखा भी सकती हूँ। मैंने सब पे कॉल किया बट किसी ने भी मुझे अच्छे और सही तरीके से गाइड नहीं किया कि एग्जैक्ट मैं किससे बात करूँ, जिससे मैं, मनीषा जी हैं जिन्होंने मुझे 2 दिन का टाइम दिया था और वो 2 दिन के बाद अब वो सैटरडे संडे आ गया, फिर मैं आज गई, तो आज मुझे मिलने तो छोड़ो, उन्होंने बात करना भी ज़रूरी नहीं समझा, सबने फ़ोन उठा के साइड में रख दिया, कोई बात नहीं करना चाह रहा। और इसके अलावा भी मैंने बहुत जगह एप्लीकेशन दिया जहाँ से कोई जवाब नहीं आया, इवन ऊपर वालों ने तो यहाँ के ऑफिसर ने बोल दिया कि अभी आपकी फाइल रेडी नहीं हुई है, साइड में रखी हुई है, करवा देंगे। थैंक यू। तो ये थे हेल्थ वर्कर जो अपनी समस्याएं बता रहे हैं, लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं।
दूसरी साइड और भी मतलब बैठे हुए हैं, आपके ही साथ ही हैं? हाँ, तो इनसे भी बात करेंगे, मतलब इनको क्या समस्याएं आ रही हैं। तो क्या नाम है जी मैम? क्या नाम है? ज्योति नाम है सर मेरा। तो कितने दिनों से बैठे हुए हैं यहाँ सर? आज हमें 8 days हो गए बैठे बैठे। कितना? 1 दिन? 8 दिन हो गए हमें। तो क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? कि हमें वो नौकरी दे दे, हम लोग बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं। अब सरकार ने हमें सडनली निकाल दिया काम पे से। इससे पहले आपको निकालने से पहले कोई नोटिस, कोई सूचना? हाँ, हमें 2 दिन पहले सरकार ने नोटिस दिया था कि आप लोग 31st से मत आना, 31st के बाद आपका सब कुछ बंद है। तो क्या मांग कर रहे हैं आप सरकार? कि वो हमें अपने अपने काम पे वापस बुलाएं, हम लोग इतने क्वालिफाइड लोग हैं, हमें हमारी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉब दे दें बस। केजरीवाल जी तो कहते हैं कि हम मतलब आने वाले समय में 20 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। हाँ, तो क्या लग रहा है? केजरीवाल जी बिल्कुल जॉब देंगे, बट वो जब उन्होंने अपना ये बजट, जो रोजगार बजट था वो पास किया था, तो उस टाइम उन्होंने ऐसा बोला था कि वो 20 लाख जॉब निकालेंगे 5 साल के लिए, बट वो शायद ये मेंशन करना भूल गए कि वो ओनली वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब निकालेंगे। क्योंकि जब वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब निकलेंगी, उसके बाद इलेक्शन होंगे, फिर केजरीवाल जी की सरकार बिल्कुल जीत जाएगी, क्योंकि युवा तो ऑलरेडी उनके साथ होंगे जब उन्होंने जॉब निकाली है। बट वो जीतने के साथ ही वो फिर वो सारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जितने भी लोग हैं वो सबको हटा देंगे वापस। तो मतलब क्या लगता है, अगर केजरीवाल जी के अलावा और किसी की सरकार होती तो आपकी सुनवाई करती? बिल्कुल करती सर। किसकी सरकार होनी चाहिए थी आपको? हमारे हिसाब से तो कांग्रेस आनी चाहिए इस बार। कांग्रेस बिल्कुल समर्थन करती है हर चीज़ में, हर एक चीज़ का ध्यान रखती है, जनता के साथ रहती है, उनकी सरकार आनी चाहिए इस बार। थैंक यू। लोग रात भर यहीं बैठने वाले हैं जब तक आज रात भर मतलब प्रोटेस्ट? हाँ, रात भर हम प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ हमारा कोई अधिकारी नहीं सुन रहा। और सुबह हम लोग यहाँ बैठे हुए थे गेट पे, तो SHO सर उतर के आए, उन्होंने हमें ऐसे धमकी दी कि अगर यहाँ से नहीं हटोगे तो मैं सबको गाड़ी में भर लूँगा, सबके खिलाफ FIR दर्ज कर दूंगा और आपको कोई नौकरी भी नहीं मिल पाएगी फिर। पांडे जी, मतलब सरकार ने अभी तक आपकी कोई सुनवाई की या नहीं की? नहीं, अभी तक सर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम पिछले 10 दिन से हम यहीं बैठे हुए हैं, 41 डिग्री सेल्सियस में हम लोग यहाँ बैठे हैं, बट फिर भी अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। चलो, ये सवाल तो अब बनता ही नहीं है कि क्या मांग करने का, काफ़ी हो चुका है, लेकिन आपकी तरफ से मतलब कोई कोशिश सरकार से संपर्क करने की, उनके अधिकारियों द्वारा कोई ठोस आश्वासन आपको मिला है अब तक? सर अभी तक हम लोगों ने दिल्ली सचिवालय में केंद्रीय हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं सत्येंद्र जैन जी, उनके पास हम लोगों ने, सेंट्रल सेक्रेटरीट, हर जगह हम लोगों ने अपना एक रिक्वेस्ट लेटर हम लोगों ने डाल दिया है, बट अभी तक हमारे पास सिर्फ ओनली वर्बल हमें एक मैसेज मिला था, वो भी मोनिका सक्सेना मैम है उनके थ्रू, कि आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल कर दिया गया है। बट अभी तक हमारे जो सीनियर्स हैं, CDMOs ऑफिसर्स हैं, उनसे हमारी बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि बच्चे हमारे पास अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आया, जब तक हमारे पास रिटर्न में ऑर्डर नहीं आएगा हम लोग आपको कोई ऑर्डर नहीं दे सकते, हम लोग आपकी ड्यूटीज़ नहीं ज्वाइन करवा सकते। और भी लोग उपस्थित हैं, क्या नाम है आपका? पूजा। क्या कहना चाहोगे सरकार के प्रति, मतलब जो रवैया है सरकार का? हम दिल्ली गवर्नमेंट से, हेल्थ मिनिस्टर सर से हम यही एक मैसेज देना चाहेंगे उन्हें, कि हम हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ हमारी जॉब हमें वापस दे दो। हम लोगों ने कोविड में आगे आकर, हम मानते हैं कि हमें उस चीज़ की सैलरी मिली थी, बट हम लोगों ने फिर भी जब बहुत लोग पे ले करके भी काम नहीं करना चाह रहे थे, हम लोगों ने तब भी आगे आ करके हम लोगों ने बहुत देश के लिए किया है। हम लोगों ने जितनी अभी तक वैक्सीनेशन हुआ है उनमें, वो हमारी लोगों की वजह से हुआ है, और आज हम लोग यहाँ आकर के बैठे, तो प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हमारी जॉब हमें वापस दे दीजिए प्लीज़। तो साथियों, ये बड़ी खबर इन्होंने बताई है कि मतलब SHO ने मतलब इनको धमकी दी है, अगर आप यहाँ से नहीं हटे तो तुम्हें गाड़ियों बंद करके अंदर कर दिया जाएंगे और आगे नौकरी नहीं मिलेगी। लगातार यहाँ पर जो हेल्थ वर्कर हैं वो पिछले 8 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। साथियों, आपसे भी गुजारिश है कि अगर इन छात्रों का, इन हेल्थ वर्कर का आप हित चाहते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। अभी के लिए सिर्फ इतना, देखते रहिए जनता आवाज़। धन्यवाद।